हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाड़ा स्वागत है जी साडे YouTube चैनल पंजाब स्टडी हब दे उत्ते। दोस्तों, जिवें कि असीं तुहानूं लगातार पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल जेल वार्डर जेल मैटरन दी तैयारी करवा रहे हैं, ते अज असीं लगातार तीजी वीडियो तुहाडे लई लै के आए हैं, जिहदे विच आपां MCQ तुहाडे लई लै के आए हैं ते टॉप 20 MCQ होणगे GK दे। ते आओ वीडियो शुरू करदे हां दोस्तों। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, भारत दी सब तों पुरानी तेल रिफाइनरी कित्थे है? तो दोस्तों, भारत की सब तो पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई दे विच है, असाम दे विच, सी ऑप्शन। नैक्सट दोस्तों, विच इज़ मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया, भारत का सब तो उपजाऊ खेत्र केड़ा है या भारत का सब तो उपजाऊ इलाका केड़ा है? तो वह है दोस्तों द इंडो गंगेटिक प्लैन, ये ऑप्शन आ जाएगी सैकेंड की। नैक्सट दोस्तों, विच कंट्री हैज़ द लोंगेस्ट कोस्ट लाइन, किस देश की समुद्री तट सीमा सब तो लंबी है? यह है जी दोस्तों कैनेडा, डी ऑप्शन। नैक्सट दोस्तों, विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सब तो बड़ा बंदरगाह केड़ा है? तो दोस्तों, भारत का सब तो बड़ा बंदरगाह है जवाहर लाल नहरू पोर्ट, जिन्हों तुसी एक ना इहदा होर बहुत मशहूर ना है नावा शेवा भी कहा जाता, या JNPT पोर्ट मुंबई भी इनू कहा जाता क्योंकि यह मुंबई दे विच है दोस्तों जवाहर लाल नहरू पोर्ट। नैक्सट दोस्तों, अजंता एंड अलोरा इज इन, अजंता अते अलोरा कित्थे स्थित है? तो दोस्तों, अजंता अते अलोरा यह स्थित है महाराष्ट्र दे विच। नैक्सट दोस्तों, सन टैंपल इज इन, जिन्हों तुसी सूरज मंदिर भी कह सकते हो, तो सन टैंपल है जी उड़ीसा दे विच। काफ़ी यह मशहूर क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों के रिपीट हो चुके हैं सन टैंपल कि जगह पर है, तो यह उड़ीसा दे विच है। तो तुसी मैनू हुण कमेंट दे विच जरूर दसना कि उड़ीसा दे विच कि जगह दे उत्ते है सन टैंपल। उड़ीसा कह लो कि राज दे विच एक जगह, तो उस जगह का नाम जरूर दसना कमेंट सैक्शन में कमेंट करके। तो दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन है जी अपने कोले, रंगन थिथू बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, रंगन थिथू पंछी संग्रह किहड़े राज स्थित है? तो दोस्तों, रंगन थिथू पंछी संग्रह कर्नाटका राज दे विच स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस दरिया ते स्थित है? तो यह स्थित है कृष्णा दरिया के उत्ते, कृष्णा रिवर के उत्ते, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, तो हीराकुंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिहड़ा वह महानदी के उत्ते स्थित है, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगी दी। नैक्सट दोस्तों, आर्याभट्टा सैटेलाइट वाज लॉन्च इन, आर्याभट्ट उपग्रह कदों पुलाड़ भेजा गया? तो आर्याभट्ट उपग्रह जिहड़ा 1975 दे विच पुलाड़ दे विच भेजा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ा यह उपग्रह सीगा इंडिया दे लई, ते इनू सोवियत यूनियन की मदद के नाल भेजा गया सीगा। ड्यूरेंड लाइन इज बॉर्डर बिटवीन, ड्यूरेंड लाइन किहड़े देशों विचली सरहद है, किहड़े देशों के विचकारला जिहड़ा बॉर्डर है उन्हूं ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है? तो ड्यूरेंड लाइन है जी दोस्तों पाकिस्तान अते अफगानिस्तान के विचकारले बॉर्डर नूं ड्यूरेंड लाइन कहा जाता। पिछली वीडियो दे विच असीं तुहानूं दस्सिया सी इंडिया ते पाकिस्तान दा दे विचकारली जिहड़ी सरहदां नूं की कहा जाता। नैक्सट दोस्तों, 49th पैरल इज ए बॉर्डर बिटवीन, 49th पैरल किहड़े देशों विचली सरहद है, मतलब ये सरहद का एक नाम है 49th पैरल। तो यह है दोस्तों USA एंड कैनेडा, इन देशों के विचकारली सरहद को 49th पैरल कहा जाता। द स्टडी ऑफ सॉयल्स इज कॉल्ड, मिट्टी के अध्ययन नूं की आखते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन नूं दोस्तों पेडोलॉजी कहा जाता है, ये तुसीं सारे तरह के अध्ययन अपने पढ़ लेने हैं कि काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ जाने होंगे, ठीक है, वक्रे वक्रे स्टडीज़ आ जाती होंगी, तो यह सारिया स्टडीज़ तुम पढ़ लेनिया ने कि स्टडी की आखते हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे भी। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वैसट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज, भारत के पछम वालू बहन वाले दरियावान चो सब तो बड़ा दरिया कि है? तो सब तो बड़ा दरिया दोस्तों नर्मदा, तो नर्मदा दरिया जोड़ा अमरकंटक निकलता है, ते पछम दे विच जाके यह डिग जाता, ठीक है, पछम दे विच जिहड़ा तुहाडा अरेबियन सी है उहदे विच जाके यह डिगदा नर्मदा दरिया, ते अमरकंटक दे विचों यह निकलदा।
नैक्सट दोस्तों द इंस्ट्रूमेंट विच मईयर्स द विच मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड, वो उपकरण जो सोलर रेडिएशन नू मापदा है, तो ऐसे उपकरण नू दोस्तों सलैरी मीटर कहा जाता है। ये भी तुसी पढ़ लेने, बड़े इंपोर्टेंट होंगे है सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिमें अर्थक्वेक नू किहड़ा मीटर मापदा, जां सोयल दी जिहड़ी इंटेंसिटी आ सोयल दी उहनू कौन मापदा, तो इदा इदा काफ़ी तरह के ये भी क्वेश्चन जिहड़े रिपीट होंदे रहिंदे आ। नैक्सट दोस्तों इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस, भारत के किस राज नू मसालियां दा बगीचा कहा जाता है, तो यह राज है दोस्तों केरला, केरला नू गार्डन स्पाइस कहा जाता है। माहे एंड यानम आर द पार्ट्स ऑफ यूनियन टैरेटरी ऑफ, माहे अते यानम किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं, तो यह हैं जी पुडुचेरी के हिस्से हैं। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, तो उसके हिस्से हैं माहे एंड यानम। नैक्सट दोस्तों इंडियाज फस्ट मैराइन नैशनल पार्क इज़ इन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कित्थे स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों गल्फ ऑफ कच्च दे विच। गल्फ ऑफ कच्च दोस्तों गुजरात के नेड़े पै जाती है, तो उत्थे स्थित है फस्ट मैराइन नैशनल पार्क इंडिया का। नैक्सट दोस्तों द सैकेंड मोस्ट एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर टैक्सटाइल्स इज, कपड़ा उद्योग तो बाद केड़ा दूजा वड्डा उद्योग है जो खेतीबाड़ी ते आधारित है, तो ऐसा उद्योग है दोस्तों शुगर इंडस्ट्री, जिहड़ा कि सैकेंड मोस्ट एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया की, इहदा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नैक्सट दोस्तों द प्लैनेट विच हैज़ मैक्सीमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, केड़ा ऐसा ग्रह है जिदे सब तो ज़्यादा उपग्रह हैं, तो ऐसा ग्रह है दोस्तों सैटन, सैटन दे सब तो ज़्यादा उपग्रह ने। यह भी तुसी मैनू कमेंट सैक्शन में दसना कि इहदे किन्ने उपग्रह ने सैटन दे, ठीक है जी। तो वीडियो चंगी लगी कमेंट सैक्शन के कमेंट करके जरूर दस्यो, शेयर जरूर कर दिओ अपने दोस्तों तक, तो पंजाब पुलिस की तैयारी तुहानू इदां ही करवाउंदे रहांगे। चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल।